मैं जा रहा हूँ टिकट काउंटर, टिकट निकालना है तो बस टिकट निकालना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की सुबह अभी जा रहा हूँ टिकट काउंटर टिकट निकालने के लिए, देखते हैं टिकट मिलता है कि नहीं। तो बस वेट कीजिए, काउंटर पहुँच के आपको मिलता हूँ। टिकट तत्काल टिकट निकालने के लिए 10 बजे काउंटर खुलता है, लेकिन नंबर पहले लगाना पड़ेगा, तब जाके देखते हैं। ऐसा नंबर तो मेरा पहला लग चुका है, बस मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अभी बुईसर रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये है व्यू, थोड़ा सुबह सुबह का मॉर्निंग का व्यू। सुबह सुबह की सुहानी धूप है, वो लेने का मज़ा ही कुछ अलग है। और पूरा हाउसकीपिंग दम कर दिया, पूरा दम लेवल कर दिया, देख रहे हम। आने वाला टाइम है बुईसर रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन होने बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बुलेट ट्रेन का स्टॉप है, सबको पता है। तो फ्रेंड्स, तो कुछ थोड़ा आपको फ्रंट कैमरा दिखाता हूँ, व्यू देखने में अच्छा लग रहा है। तो फ्रंट कैमरा का व्यू देखिए, और उसके बाद बस एक छोटा सा स्मॉल ब्रेक के बाद मिलता हूँ। अरे काम चल रहे हैं रेलवे के, इतना ज़्यादा प्रोग्रेस में रेलवे, ये छोटा सा काम चल रहा है। अभी यहाँ पे भी रेलवे ट्रैक आने वाले हैं, ए साइड में बैक साइड में। और आपको पता ही है बुलेट ट्रेन का स्टॉप बुईसर में ऑलरेडी है ही। अभी दीवा वसई ट्रेन आई, ये लोकल दिख रही है, ये दीवा वसई जो कि डेली अप डाउन करती है बुईसर से दीवा, दीवा से बुईसर। तो बस कुछ ही देर में टिकट काउंटर पहुँचूँगा, उसके बाद मिलता हूँ। दोनों तरफ से चमका रहा है, देख रहे हैं। पहले ऐसा मेंटेनेंस नहीं करता था, अब जो कि काफ़ी हद तक मेंटेनेंस कर रहा है रेलवे वाला भी। पूरा काम जोर शोर से चल रहा है, लगता है इस बार बारिश में लोगों को तकलीफ नहीं होगी, कि इसने पूरा का पूरा बना दिया है, देख रहे हो। ये रेलवे कॉटेज है जो आपको दिख रहा है, राइट और लेफ्ट में दोनों में रेलवे कॉटेज है, जिसे इसने अच्छा खासा बना दिया है। पूरा हाइट भी बढ़ा दिया उसने, सब कुछ कर दिया। मैं टिकट काउंटर पहुंच चुका हूँ, पीछे आप देख रहे होगे टिकट काउंटर है, कितना भीड़ है, ठीक है। ये टिकट काउंटर है नॉर्मल वाला, जो कि 8 बजे सुबह जो चालू होता है ना, वो काउंटर वाला है, ठीक है। अभी तत्काल का चालू नहीं हुआ है, मुझे निकालना है 3rd AC, 3rd AC का मैंने फॉर्म फिलअप करके रख लिया है। तत्काल में जाना है भाई, तत्काल क्या करेंगे भाई, जाना पड़ता है तो फिर निकालना पड़ जाता है। तो तत्काल मैंने निकाल लिया है, निकालने के लिए फॉर्म भरा है। 10 बजे मेरा काउंटर खुलेगा, 10 बजे मेरा काउंटर खुलने वाला है, और उसके बाद ये तत्काल मैं निकालूँगा। तो देखते हैं, मेरा पहला नंबर है तो मिलता है कि नहीं, देखते हैं। जैसा भी स्टेटस रहेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा क्या है नहीं है, तो पूरा डिटेल मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं वेट करता हूं, 10 बजे मेरा काउंटर खुलेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नीचे लाल बटन देख है उसके देख के नीचे सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। काउंटर अभी दोनों पे भीड़ लगा हुआ है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। बस 10-1 घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी बज रहे हैं 9:30, ऐसे 9 बजने वाले हैं। बस थोड़ा देर बाद मिलता हूँ आपको मैं। हाँ, निकाल लिया, मिल भी गया। B3 में लोअर बर्थ मिला मेरे को 41 और 44 और 45 मिडल बर्थ, ये टिकट। आगे मिलता हूँ, टिकट मिल गया मेरे को। मैं अभी भी हूँ स्टेशन पर ही, देखो पीछे हमारा काम चल रहा है, काम चल ही रहा है, चलते ही रहेगा जब तक है, तो प्रोग्रेस होते रहेगा तो काम चलते ही रहेगा। टिकट मैंने पहले भी दिखाया, फिर दिखाता हूँ, कल का टिकट है, तत्काल टिकट मैंने निकाला है। और टिकट निकाल के बस मेरे से पापा मम्मी लोग गाँव जाने वाले हैं, तो कल का टिकट है, तो फिर बस दिखाता हूँ आपको बाद में। पीछे काम चल रहा है रेलवे स्टेशन पर, काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, ठीक है। तो और देखता हूँ कुछ अलग भी, मैं अभी जा रहा हूँ ETP के पास में, जो यहाँ पे जो मेडिसिन पूरी कंपनियाँ हैं ना, वो पूरा केमिकल उस ETP में आता है, वहाँ से रिफाइन हो गया, समुद्र के किनारे बहा दिया जाता है। तो कुछ छोटा सा व्यू वो दिखाता हूँ बस, उसके बाद एंड करता हूँ। चलिए तो अभी मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अभी बुईसर मेडिसिन में, और जो पीछे दिख रहा है आपको वो कांच वाली बिल्डिंग, वो आरती इंडस्ट्री है, आरती प्लॉट नंबर 150 शायद, ठीक है। और पीछे जो प्लांट दिख रहा है, गाड़ी जो खड़ी है, इसके पीछे ये UPL प्लांट है, और ये पहले था पंजाब केमिकल, अब इसका नाम बदल के हो गया है UPL। फुल फॉर्म मेरे को भी मालूम नहीं है, बस मैं बोला चलो आज आपको ये मेडिसिन देखो। आपको सिर्फ चिमनी दिखाई दे रहा होगा पीछे की तरफ, बड़ी बड़ी चिमनियाँ दिख रही होगी बैक साइड में, पूरा का पूरा सिर्फ MIDC है, ठीक है। चारों तरफ ना
बोईसर जो है ना, बोईसर MIDC बहुत बड़ी MIDC है। ये तो सिर्फ मैं एक साइड का दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये तो आउट साइड का है। पीछे और भी बड़े बड़े प्लांट बन रहे हैं और काम चल रहा है। बैक साइड में देखो, पीछे दिख रहा है ना, पीछे पाल फैशन, आरती, UPL, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ETP जो है ना, जहाँ पे जो ये सब जो सारी केमिकल कंपनियां हैं, जो इनकी जो एक्स्ट्रा जो केमिकल जो ड्रेन होके निकलती है ना, वो कहाँ प्योरीफाई होके और फिर वो समुंदर में बहाया जाता है। आपको दिखाता हूँ, वेट करो, एक मिनट, ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना, तब ना आएगा। ये पीछे दिख रहा है नदी, ये पीछे दिख रहा है ना, ये ETP है, ये गवर्नमेंट का ETP है। और यहाँ पे वो केमिकल को प्योरीफाई किया जाता है, देख लो, आपको नज़र में भी आ रहा होगा, दिख रहा है ना, बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। ETP में प्योरीफाई होने के बाद इसे समुंदर में बहा दिया जाता है, जो मतलब नाली के द्वारा, इनका एक नाली बना हुआ है, उसके द्वारा इसे बहा दिया जाता है। और चलो मैं दिखाता हूँ दो चार कंपनी का, और एक वो साइड चलते हैं, वो साइड कंपनी है, दो तीन कंपनी जो नज़दीक में दिख रहा है, जिसका चिमनी दिख रहा है ना आपको, वो चिमनी के पास में जाते हैं, फिर मैं बात करता हूँ आपसे।